हेलो, मेरा नाम है केतन और हफ्ता खत्म होते ही हम लेकर आए हैं बीते हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक्स। वो फैक्ट चेक्स जो कि ऑल्ट न्यूज की टीम ने किया और आपको फर्जी या गलत जानकारियों के बारे में चेताया। शुरू करते हैं पहले फैक्ट चेक से जो कि जुड़ा है सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है 9 दिसंबर को। कई नेताओं ने उन्हें ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनकी तस्वीर को हॉलीवुड स्टार्स की तस्वीरों के साथ रखकर हैशटैग अंतरराष्ट्रीय बार डांसर दिवस और हैशटैग बार डांसर लगाकर ट्वीट कर रहे थे। ये सब कुछ उस प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा था जिसके अनुसार सोनिया गांधी अपने देश इटली में बार डांसर थी। ट्विटर यूजर्स जो तस्वीर शेयर कर रहे थे उसमें बाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर थी और दाहिनी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट में कई महिलाओं की तस्वीरें थी। यहां ये बताने की कोशिश की गई कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में सोनिया गांधी ही हैं। इन तस्वीरों की सच्चाई ऑल्ट न्यूज ने अपने आर्टिकल में विस्तार से बताई है। इनमें से दो तस्वीरें उर्सुला एंड्रेस की हैं, जो कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म डॉक्टर नो में थी। तीसरी तस्वीर मर्लिन मुनरो की है, जो कि न केवल एक फेमस एक्ट्रेस है बल्कि पॉप कल्चर पर जिन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। इस तस्वीर में मर्लिन मुनरो के चेहरे की जगह सोनिया गांधी के चेहरे को मॉर्फ किया गया है। इसके अलावा जो एक तस्वीर और वायरल हो रही है वो ये है। इसकी असली तस्वीर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक अमरीकी कपल डांस कर रहा है और ये उनकी तस्वीर है। इमेज स्टॉक वेबसाइट एलमी पर हमें ओरिजिनल तस्वीर मिली, जहां हमें मालूम पड़ा कि 1950 के दशक की तस्वीर है। सोनिया गांधी का जन्म 1946 में हुआ था। इस पूरी खबर में ये तो बुरा है ही कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले देश में एक 74 वर्ष की महिला के बारे में इतनी भद्दी बातें की जा रही हैं। उससे भी अजीब यह है कि किसी के काम का मजाक उस देश में उड़ाया जा रहा है जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है। हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो कि किसान प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। 11 दिसंबर को पाकिस्तानी कैनेडियन लेखक तारिक फतेह ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि लंदन में सिखों ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। ऑफ इंडिया ने भी इसी वीडियो के बारे में 11 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा। ऑफ इंडिया ने पहले तो पूछा कि आखिर ये कैसे अन्नदाता हैं, और जब इन्हें समझ में आया कि ये वीडियो न तो इंडिया का है और न ही किसानों का, तो अपने इस आर्टिकल के टाइटल में बदलाव करते हुए उन्होंने ठीकरा तारिक फतेह के सिर पर फोड़ दिया। साथ ही अंदर विश्लेषण करने के अंदाज में ये भी कहा कि आंदोलन में अभी तक कहीं भी खालिस्तान के समर्थन में नारों का जिक्र नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो इस ओर इशारा करता है कि आंदोलन कभी भी भयावह रूप ले सकता है। ये ऑफ इंडिया का मानना है। खैर, आपको इस वीडियो की असलियत भी बताते चलते हैं। असल में ये वीडियो सितंबर 2019 का है, जब न्यूयॉर्क में यूएन के मुख्यालय के बाहर 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले पीएम मोदी के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध किया था। 29 सितंबर 2019 की अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारों की संख्या में लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी के भाषण से पहले वहां कश्मीर में मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अगला फैक्ट चेक एक बार फिर किसानों के प्रदर्शन से ही जुड़ा है, जहां एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक सिख परिवार का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। इस वीडियो को हैशटैग किसान स्टैंड्स विद मोदी के साथ ट्वीट किया गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ना ही हमारे पास चाइना जितना पावर है, ना ही हमारे पास इटली जैसा मेडिकल, और ना ही हमारे पास अमेरिका जितनी शक्ति है, पर किसी के पास हमारे जैसा प्रधानमंत्री भी नहीं है। भाजपा के राज्य प्रवक्ता गौरव गोयल ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था, बाद में इन्होंने इसे डिलीट कर दिया। भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था। उनके ट्वीट में इस वीडियो को लेकर कोई भी दावा नहीं किया गया था। असल में ये वीडियो चाचा भतीजा नाम के एक टिकटॉक यूजर ने बनाया था, और उन्होंने इसे बनाया था अप्रैल 2020 में। ऑल्ट न्यूज की बात हुई तरनजीत सिंह से, जो कि ये टिकटॉक हैंडल चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कदमों की सराहना कर रहे थे, क्योंकि और देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की स्थिति काफी कंट्रोल में थी। 22 अप्रैल को एबीपी न्यूज ने भी ये वीडियो
दिखाया था। आपको बता दें कि तरनजीत सिंह ने कहीं भी किसान प्रदर्शनों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके पेज चाचा भतीजा से किसानों के समर्थन में तस्वीर जरूर अपलोड की गई थी। अगला फैक्ट चेक यानी फैक्ट चेक नंबर 4 है एक कथित क्राइम से जुड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति रांची में हुए एक सिम कार्ड घोटाले की बात कर रहा है। हाव भाव अग्रेसिव है और तकनीकी टर्म्स का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है, आप खुद देखिए। मैं बात कर रहा हूं 10,000 सिम कार्ड सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर मिले हैं। एक व्यक्ति के नाम झारखंड में जब ATS ने छापा मारा है, NIA ने जब छापा मारा है, तब 10,000 सिम कार्ड मिलते हैं जावेद के पास, और जावेद के पास ये सारे सिम कार्ड एक ही कंपनी के मिलते हैं, और इनको बाकायदा सिम बैंक जिसे बोलते हैं, एक मॉड्यूल होता है जिसमें बहुत सारी सिम, करीब 100 सिम एक साथ लगाई जा सकती है, और एक साथ 100 सिम से मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, एक साथ 100 सिम से फेसबुक अकाउंट बनाए जा सकते हैं, एक साथ 100 सिम से कई सारे वीडियोस वायरल किए जाते हैं, जो आप लोग देखते हैं लगातार कि कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई सारे आप फेसबुक पर अकाउंट देखते होंगे कि फलाने ने फलाने को गाली दी, एक ही आईडी से एक ही व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ 1,000 आईडी चला रहा है, 10,000 आईडी चला रहा है। इसकी कहानी मजेदार है। असल में ये सिम जावेद के नाम नहीं बल्कि जावेद की कंपनी वन एक्सेल के नाम पर इशू किए गए थे। इस मामले में ATS ने एयरटेल के पटना के सीनियर ऑफिशियल्स को समन किया कि उन्होंने आखिर किस बिना पर इतने सारे सिम कार्ड, 10,000 सिम कार्ड इकट्ठे एक कंपनी के नाम पर दे दिए जिनसे लगातार प्रमोशनल मैसेजेस किए जा रहे थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में एयरटेल के एक अधिकारी के हवाले से ही यह बताया गया था कि एक शख्स के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड इशू हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी कंपनी की आती है तब ट्राई के पास कोई भी गाइडलाइन नहीं मौजूद है। इसी रिपोर्ट में ATS के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पी मुरुगन का भी बयान है जिसमें बताया गया है कि उस मौके तक वन एक्सेल नाम की कंपनी या उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला था। और अब बढ़ेंगे इस फैक्ट चेक के कंपाइलेशन के आखिरी फैक्ट चेक की तरफ। किसान आंदोलन जारी है और अब ये लगभग हर दिन की बड़ी खबर बन चुका है। सोशल मीडिया पर इसी के संदर्भ में कुछ वीडियोस शेयर हो रहे हैं जिसमें सड़क पर सेना की गाड़ियां और आर्टिलरीज जाती हुई दिख रही हैं। हम आपको इन वीडियोस के छोटे छोटे हिस्से दिखा देते हैं। इन सभी वीडियोस में लगभग एक ही बात कही जा रही है कि किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार ने सेना को दिल्ली की तरफ जाने का आदेश दे दिया है। दिल्ली टोल बाजार प्लाजा के बाद की तस्वीरें हैं ये, आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, काफी गाड़ियां आगे चल रही हैं। दिल्ली ये गाजियाबाद के टोल प्लाजा के बाद की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली में भारत की सेना को बुला लिया गया है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। मैं इदा लगता भी जिमें फौज जाए दिल्ली नू रही हो, जिमें उपरों सेंटर तो हुक्म आ गई हूँ फौजा नू भी आके किसानों नू घेरा पाया जाए, क्योंकि बिल तो मेरे ख्याल इन्हां ने मनने नहीं, होर इन्हां को रास्ता भी नहीं कोई रहा, ताही ना मैं 2 दिन का टाइम मंगिया। ये दावे कि सेना को दिल्ली की तरफ किसान आंदोलन से निपटने के लिए भेजा गया है ठीक मालूम नहीं देता है। इन सभी वीडियोस में सेना की गाड़ियां तो दिखी लेकिन सेना की टुकड़ी कहीं भी नहीं दिखी। इसके बाद ऑल्ट न्यूज ने भारतीय सेना के सूचना अधिकारी कर्नल अमन आनंद से संपर्क किया। उन्होंने बताया जो गाड़ियां वीडियो में दिख रही हैं वो भारतीय सेना की ही हैं। हालांकि ये दावा कि ये गाड़ियां और हथियार किसान आंदोलनों में भेजी जा रही हैं गलत है। फैक्ट क्रिसेंडो के किए फैक्ट चेक में भी वित्त मंत्रालय के मीडिया एंड कम्युनिकेशन DG नितिन वाकंकर और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने भी इस दावे का खंडन किया था। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स। इन सभी फैक्ट चेक्स के बारे में या और भी गलत जानकारियों, दावों की सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जा सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए altnews.in ही काफी होगा। वीडियो के फॉर्म में इन फैक्ट चेक्स को पाने के लिए, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें ऑल्ट न्यूज के YouTube चैनल को और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे। मेरा नाम है केतन और ऑल्ट न्यूज में अपना भरोसा यूं ही दिखाते रहें, आपका भरोसा यानी हमारी ताकत। शुक्रिया।